इस बात पे सब पे ऊंची ताली बज रही है। लेकिन बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये 60,000 भी कुछ भी नहीं है। जो आपने, मैंने पूछा कि ये इंटर्न्स की क्या क्वालिफिकेशन है, तो मुझे बताया गया कि बीएससी किया हुआ है और जो एनवायरनमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़े हुए हैं। तो मुझे लगा कि 25,000 तो बहुत थोड़ा है, तो एटलीस्ट हम शुरुआत करते हैं 60,000 से। अभी हमने एग्रीकल्चर के लिए भी इंटर्न्स रखे हैं और माशाल्लाह 1,000 के करीब वो इंटर्न्स हैं, वो भी सब यूथ है, पूरे पंजाब से है, सिर्फ लाहौर से नहीं है, पंजाब के हर शहर से। अभी मैंने जितने बच्चों से मेरी बात हो सकी मैंने उनसे पूछा, तो पंजाब के डिफरेंट सिटीज से, डिस्ट्रिक्ट से ये बच्चे आए हुए हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि एक छोटी सी आपकी, एक हकीर सी मेरी कोशिश है जो मैंने आपके लिए की है, लेकिन चले इसका आगाज़ हुआ है। और मैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा को ये कहना चाहूँगी कि ये इंटर्नशिप अगर कर रहे हैं तो इस इंटर्नशिप के बाद इनकी जो जॉब सिक्योरिटी है, इनके जॉब्स को सिक्योर करना, ताकि ये जो एनवायरनमेंट में, अगर ये लीडर्स हैं, एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट ही के शोबे में इनकी जॉब्स होनी चाहिए, ताकि ना सिर्फ ये कि इनको ये सिक्योरिटी हो कि इन बच्चों के पास इनकी जॉब्स हैं, ये अर्निंग मेंबर्स ऑफ द हाउस हैं, बल्कि जो इनके इंटरेस्ट का काम है, जिसमें इनकी एजुकेशन भी उसमें है, ट्रेनिंग भी उसमें, वो सब इन बच्चों को मिले। तो मैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा से ये कहूँगी कि इन सब इंटर्न्स को आपने, जब इनकी इंटर्नशिप ख़त्म हो, जो आपके साथ काम करना चाहे, गवर्नमेंट में काम करना चाहे, उसको एनवायरनमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप ज़रूर रखें, और जो बाहर जॉब करना चाहे उसके जॉब लिंकेजेस डेवलप करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एनवायरनमेंट को आज तक जिस तरह हुकूमतों ने, खसूसी पाकिस्तान में खसूसन जिस तरह हुकूमतों ने ट्रीट किया है, ये एक रिडंडेंट डिपार्टमेंट है जिसकी अहमियत का शायद मुझ समेत हम सबको एहसास नहीं है। और अब जबकि वो आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करने लगा है, आपकी जो एक रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी है, आपकी सेहत है, हमारे बच्चों की सेहत है, जब वो उसको अफेक्ट करने लगा है, तो हमें रियलाइज़ हुआ है कि एनवायरनमेंट भी किसी चीज़ का नाम है, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी जो है वो किसी चीज़ का नाम है। तो मैं ये समझती हूँ कि आप सब की ये सिर्फ जॉब नहीं है, ये इंटर्नशिप नहीं है, ये आप सब की बहुत सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि कुदरत ने हमें जो माहौल दिया है जिसमें हम रहते हैं, मैं आपको अपने जेल का एक छोटा सा वाक्या एक सुनाती हूँ। मेरे, जब मैं जेल में थी, डेथ सेल में, तो वो कॉन्क्रीट की वॉल्स थीं और बाहर कोई सज़ा के तौर पे वो आपको ऐसी जगह बंद करते हैं जहाँ पे आपको आसमान नज़र ना आए, जहाँ पे आपको ग्रीनरी नज़र ना आए। तो 6 महीने के बाद जब मैं घर वापस गई, तो मैं ज़्यादातर अपना वक्त जो है वो लॉन में बैठ के गुजारती थी। मुझे लगता था कि मैंने इस माहौल को कितना मिस किया, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो ग्रीनरी पैदा की है, जो अच्छा माहौल पैदा किया, जो खूबसूरती हमारे कुदरत ने हमें दी है, उसको प्रिजर्व करना हम सब की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये जो आपकी जॉब नहीं है, ये आपकी इतनी सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें आप एक इज्तमाई जो है वो अच्छाई का काम कर रहे हैं लोगों के लिए। और ना सिर्फ ये कि आप माहौल को बेहतर बना रहे हैं लोगों के लिए, उनके लिए सेफ़ बना रहे हैं, बल्कि आप आने वाले नस्लों के लिए इस मुल्क को खूबसूरत बना रहे हैं, इस मुल्क को लिवेबल बना रहे हैं, इस मुल्क को सेफ़ बना रहे हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज मैं, अगर मैं मरियम औरंगज़ेब को शाबाश ना दूँ, उनकी टीम को शाबाश ना दूँ, अपनी पूरी हुकूमत को, अपनी पूरी टीम को शाबाश ना दूँ, तो ये ज़्यादती होगी। मैं समझती हूँ कि जितना मैं इस पे काम करना चाहती थी, मेरी तवक्कुआत से बढ़ के मरियम औरंगज़ेब और उनकी टीम ने इस पे काम किया है। और इसी वजह से ये बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, इसी वजह से आपने अभी जो इनकी पूरी कैंपेन आपने देखी है वो हम कर सके हैं। और अभी फहद ने बड़ी अच्छी बात की, मेरी गवर्नमेंट की जो अप्रोच है कि मैं कल ये करूँगी, परसों ये करूँगी, मैं वो बात नहीं करती। जब मैं कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं आवाम के सामने आके कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर चुकी हूँ।
बहुत ये बात होती है मीडिया पे कि पंजाब हुकूमत हर रोज़ एक नया मंसूबा लॉन्च करती है। तो हाँ, पंजाब हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ एक नया मंसूबा लॉन्च करती है, लेकिन पंजाब हुकूमत फिर मेक श्योर करती है कि उस मंसूबे के ऊपर अमल दरामद हो। नवाज़ शरीफ साहब की बेटी उन्हें जिन्होंने कभी आवाम से झूठा वादा नहीं किया, और अगर कोई वादा किया तो उसको निभाया। ये भी कहा कि ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, ये एक होल ऑफ डिपार्टमेंट अप्रोच नहीं है, ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। आज मेरी पूरी गवर्नमेंट, मेरे तमाम मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेसी से जो हमारी टीम है, वो यहाँ पॉलिटिकल टीम भी बैठी है, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच नहीं है, ये होल ऑफ पाकिस्तान अप्रोच है, होल ऑफ प्रोविंस अप्रोच है। और ये सिर्फ पंजाब नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में का मसला है, और हमें इसको मिलके, इसको 25 करोड़ आवाम को मिलके, इसको अपना मसला समझ के, इसको इसकी बेहतरी के लिए हमने इकदाम उठाने। ये बड़ा एक, आई थिंक जब बात होती है तरक्की की, प्रोग्रेस की, तो हमारी दिमागों में तरक्की का, प्रोग्रेस का एक बड़ा कॉन्क्रीट सा इमेज भी आता है, और जब हम बाहर निकल के देखते हैं जहाँ सड़कें बनती हैं, फ्लाई ओवर्स बनते हैं, अंडरपासेस बनते हैं, एक्सप्रेसवेज बनती हैं, तो जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है उसकी ज़रूरत है, उसके बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। अगर कोई ये सोचता है कि उसके बगैर तरक्की होती है तो उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की ज़रूरी है, लेकिन उस तरक्की को कॉन्क्रीट की शक्ल से बचाना वो हम सब की जिम्मेदारी है। तो मैंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक रख दिया है, बिल्ट इन हमारे हर प्रोजेक्ट में, वो है कि 1% जो है वो हर प्रोजेक्ट का जो है वो ट्री प्लांटेशन में जाएगा, और एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में जाएगा, और जहाँ सड़क बनेगी, यहाँ पर हमारे CNW के मिनिस्टर भी बैठे हैं, सेक्रेटरी भी बैठे हैं, जो सड़क बनेगी उसके दोनों अतराफ पे, सड़क के दोनों अतराफ के ऊपर जो है वो दरख्त लगेंगे। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्क्रीट वर्सेस नेचुरल ब्यूटी, तो हमें उन दोनों को बड़ा एक बैलेंस है, उसको हमने अचीव करना है। इसी तरह ये जो अभी बात हुई जानवरों पे जुल्म की, बेजुबान जानवर हैं, और पाकिस्तानी कौम की ये शनाख्त नहीं हो सकती, ये पहचान नहीं हो सकती कि हम बेजुबानों पर जुल्म करते हैं। तो ये भी मरियम औरंगज़ेब को इसका क्रेडिट जाता है कि पंजाब में एटलीस्ट जो चीज़ रिपोर्ट हो जाती है वो उसके खिलाफ फौरन एक्शन होता है। जो बेजा इन पर जुल्म किया जाता है जानवरों पर, अभी आपने सुना होगा बहुत तकलीफ़ दे मनाजिर थे कि एक दूसरे सूबे में ये मुतअद्दिद वाक़यात हुए, एक नहीं था कि जो ऊँटनी है उसके उसके पाँव, उसकी टांगें काट दी गई। पंजाब में भी एक हुआ जहाँ पर एक गधे की टांगें काट दी गई, मैंने तो उसी वक्त वो भाग गया, लेकिन हमने उसको एक्शन करके पकड़ा और उसको हमने जेल में बंद किया। तो ये भी एक महज़ब कौम की पहचान है कि वो अपने जानवरों के साथ क्या सलूक करती है। और बाकी बातें मैं अभी आपसे करती हूँ, लेकिन जो सबसे जो मुझे मेरे लिए एक बड़ी इनकरेजिंग बात है, हौसला अफजा बात है, कि जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिससे मेजर किया जाता है कि हमारी एयर की क्वालिटी क्या है, वो एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं वो, शुक्र है अल्लाह ताला के, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। और ये कहते हैं कि स्मॉग जो है वो अक्टूबर में शुरू होकर फरवरी में ख़त्म हो जाती है, तो ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। स्मॉग पूरा 12 महीने कभी ख़त्म नहीं होती, जो एनवायरनमेंट को हैज़र्ड्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, उनके जो रेमिनेंट्स हैं वो रहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत में। और आप देखें इसने कितने, ये किस प्रोपोर्शन तक चीज़ चली गई है कि लोग बीमार होना शुरू हो गए, लोगों को सांस लेने की में दुश्वारी होती है, आंखें ख़राब हो जाती हैं, स्कूल्स को बंद करना पड़ता है। कितनी सवेरिटी आ गई है इस प्रॉब्लम के अंदर कि हमें स्कूल्स को बंद करना पड़ता है, हमें बच्चों को घर छुट्टी करानी पड़ती है स्कूल से, ऑफिसेज बंद हो जाते हैं क्योंकि स्मॉग इतनी ज़्यादा होती है कि सांस लेने में लोगों को दुश्वारी होती है। तो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो जाती हैं, और सांस की और जो एक एस्थमा की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बच्चों में ज़्यादा रिपोर्ट होती है। अभी जो हमने एडवर्टाइजमेंट देखी है, ऑनेस्टली मुझे तो
रोना आ रहा था वो एडवर्टाइजमेंट देख के कि हमें अंदाज़ा नहीं है कि हमारी सेहत को ये चीज़ हमारे बच्चों की सेहत को कितनी उनके लिए नुकसान दे। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आज ओवरनाइट कोई बटन दबा देंगे तो स्मॉग ख़त्म हो जाएगी। स्मॉग को ख़त्म करने के लिए हमें मल्टीपल इकदाम उठाने पड़ेंगे, इकट्ठे उठाने पड़ेंगे, साथ साथ उठाने पड़ेंगे, एक दूसरे के साथ उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस ऐसी रेज करें कि हर घर में हर फर्द को हर बच्चे को पता हो कि जो एनवायरनमेंट है उसकी प्रोटेक्शन जो है वो कितनी ज़रूरी है और स्मॉग का खात्मा पंजाब से पाकिस्तान से कितना ज़रूरी है। अवेयरनेस थोड़ी है, छोटी है और प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि अगर लोगों को अवेयरनेस नहीं, जो चीज़ आपको नज़र नहीं आती लोग उसको हैज़र्ड नहीं समझते, लोग उसको रिस्क नहीं समझते। लेकिन अगर ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इट इज़ ईटिंग इन टू अस, ये हमें थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर रही है चीज़, और हमारे बच्चों की ज़िंदगी और सेहत का सवाल है। इसीलिए हमने इसको मैंडेटरी कर दिया है कि तमाम स्कूल्स के अंदर इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चों को। और आज मैंने मरियम औरंगज़ेब को, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री है तो मैंने उनकी ज़िम्मेदारी लगाई है कि क्या सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं, करिकुलम में क्या चेंजेस हम ला रहे हैं, उसकी अप्रूवल आप खुद करेंगी, आप खुद पढ़ेंगी, और फिर वो बच्चों के लिए हम वो अवेयरनेस कैंपेन्स बनाएंगे। और मैंने ये सोचा है कि पंजाब के तमाम सरकारी स्कूल्स जो हैं उसमें हर महीने एक थीम रखी जाएगी जिस पे बच्चे उसके ऊपर पढ़ेंगे भी, नॉलेज भी गेन करेंगे, प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। तो मेरी पहली जो 15 अक्टूबर से हम लॉन्च कर रहे हैं, हमारी पहली जो थीम है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, वो है ही स्मॉग के ऊपर और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर, ग्रीन उसके ऊपर। और मुझे आज बड़ी खुशी हुई देख के कि पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है और एक पूरा एक्शन प्लान जो स्मॉग मिटिगेशन है, एक तो जो स्मॉग को ख़त्म करना, एक स्मॉग की मिटिगेशन है। मैंने आपसे कहा कि स्मॉग को ख़त्म करना मेरे ख्याल है चंद सालों पे मुहित एक एक्सरसाइज होगी, लेकिन उसको मिटिगेट करना, उसको कम से कम डिग्री पे लेके आना ताकि वो लोगों को कम से कम उनके लिए नुकसान का बायस हो, उसके ऊपर हमारे पास पूरा एक एंड टू एंड एक्शन प्लान तैयार है। और होपफुली इंशाल्लाह ताला हर आने वाले दिन के साथ उसमें बेहतरी आएगी। और हम अपने इधर कर भी लें तो इंडियन पंजाब से जो क्योंकि हवा का रुख जब उधर होता है तो इंडियन पंजाब से जो स्टबल बर्निंग के बाद वो एक हवा के थ्रू हमारे पास आती है, तो उनसे भी हमारी बातचीत होनी चाहिए। इसको क्लाइमेट डिप्लोमेसी कहते हैं, वो हमें इंडिया के साथ करनी चाहिए, क्योंकि विंड की डायरेक्शन भी होती है। जो एक्शंस हमें यहाँ ले रहे हैं वो हम इंडियन पंजाब को भी लेने चाहिए, ताकि वहाँ के लोग और यहाँ के लोग दोनों जो हैं वो इन तकालीफ से बचें। और इस सीज़न में जो कि अक्टूबर से फरवरी तक होता है, हॉस्पिटल एडमिशन्स 20 से 30% तक बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, एस्थमा इन चिल्ड्रन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, सांस लेने में जो तकालीफ हैं वो बढ़ जाती हैं। तो उसके लिए हमने जो इकदामात उठाए हैं, अभी आपको सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है, एक ग्लिम्प्स दिया है, लेकिन मैं बहुत डिटेल में जाके इन चीज़ों को देख रही हूँ। तो जो इंडस्ट्री की सर्वेलेंस है जिसकी वजह से हमारा एयर क्वालिटी ख़राब होती है और स्मॉग इंक्रीज होती है, उसमें हमने इंडस्ट्रीज़ की सर्वेलेंस शुरू कर दी है। और ये जो भट्टे होते हैं ईंटों के, जो स्मोक एमिटिंग है स्पेशली ब्लैक स्मोक, उनको मैंने खुद देखा है कि हमें उनको वार्निंग्स देनी पड़ी, जिन्होंने फिर भी अपने आप को ठीक नहीं किया। वो मरियम औरंगज़ेब और उनकी स्क्वाड ने खुद जाके उनको गिराया। अब मेरे लिए किसी का रोज़गार गिराना कोई आसान फैसला नहीं है, मैं किसी का रोज़गार ख़राब नहीं करना चाहती, लेकिन वो रोज़गार या वो इस तरह की चीज़ जो मेरे आवाम के लिए जो बीमारी का बायस बन जाए और वो क्लाइमेट को ख़राब कर दे, एनवायरनमेंट को ख़राब कर दे, वो मुझे एक दिल पे पत्थर रख कर वो एक्शन लेना पड़ता है। ज़ाहिर है डिज़ायरेबल तो नहीं है, लेकिन मुझे लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर 15 करोड़ आवाम की ज़िंदगी और उनकी वेलबींग और सेहत का मसला है। और जो जितनी भी स्मोक एमिटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, पूरा सर्वेलेंस का मेकनिज़म बनाया गया है, कंट्रोल रूम एक बनाया गया है, स्मॉग कंट्रोल रूम, उसके साथ इंडस्ट्रीज़ को लिंक किया गया है। इंडस्ट्रीज़ को कहा गया है कि वॉलंटरली ख़ुद वो अपनी चिमनीज़ के सामने जो है वो कैमराज लगाएं, उनको कनेक्ट किया है स्मॉग कंट्रोल रूम के साथ।
ताकि जहाँ पे वो सफ़ेद धुआं काला हो वहीं पर उसकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो जाए और हमारे जो हमारा रूम है कंट्रोल रूम है उससे कॉल जाती है उनको कि आपकी चिमनी का जो धुआं है वो काला हो गया, उसको फ़ौरन ठीक करें, तो वो ठीक करते हैं उसको। तो 100 के करीब जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने इसमें फुल कंप्लायंस दिए और हमारे साथ कंप्लाई कर रहे हैं। डिजिटल इंस्पेक्शन उनकी जारी है, CCTV कैमराज लग गए हैं, ड्रोन से सर्वेलेंस हो रही है और जो टायर्स जला रहे हैं, फैट मेल्टिंग यूनिट्स बने हुए हैं, यहाँ रेगुलेशन तो कभी कोई थी नहीं, लोगों को जहर खिलाया जा रहा है, उसके ऊपर भी हमने जो है वो बहुत जुर्माने भी किए हैं, उनको शट डाउन भी किया है। और पंजाब में अगर आपको गलत काम करना पड़ेगा तो आपको बहुत मशक्क़त के बाद वो करना पड़ेगा, इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस, इतना ज़्यादा हम सख्ती जो है वो लेकर आ रहे हैं। और आप इस सब में हमारे मेरे आइज़ एंड ईयर्स हैं, मरियम नवाज़ के वज़ीरे आला पंजाब के आइज़ एंड ईयर्स हैं, सिर्फ आप हमारे एनवायरनमेंट के एम्बेसडर्स नहीं हैं। हर चीज़ जो आपको ट्रेनिंग दी भी गई है, आपकी साथ साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग भी हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपने करनी है। और आपको मुझे पता है ये बताया गया है कि जहाँ पर कोई वायलेशन हो रही है रूल्स की, रेगुलेशंस की, लॉज की, वहीं पर आपने उसकी जो एविडेंस है तस्वीर की सूरत में या वीडियो की सूरत में वो आपने लेना है और उसके बाद आपने कंट्रोल रूम में भेजना है, अपनी अथॉरिटीज़ को इतला करनी है ताकि हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। इसी तरह जो ये अभी मैंने लॉन्च की है ग्रीन पंजाब ऐप, इसमें डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ स्मॉग फैक्टर्स होगी, इसमें विसल ब्लोअर्स जो पंजाब से या पूरे पाकिस्तान से कहीं कोई चीज़ भी हमारे नोटिस में लाना चाहता है, कोई वायलेशन हमारे नोटिस में लाना चाहता है, तो अगर वो अब चाहता है कि उसका नाम भी वो उसकी सीक्रेसी रहे तो वो भी हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे। और आप इंटर्न्स को भी हमने इस ऐप के साथ लिंक कर दिया, तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा 1373 की हेल्पलाइन हमने कायम कर दी है, इसको एनवायरनमेंट हॉटलाइन हम कह रहे हैं। इस पर आप पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, वीडियोज़ भी भेज सकते हैं, शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, अपने आइडियाज़ भी दे सकते हैं, तो ये भी एक बड़ा अच्छा कदम है। और ये जो हमने एक ट्रांसपोर्ट के ऊपर हमने मेजर्स लिए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, सेफ सिटी कैमरास के थ्रू जो स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, उनको जो उनको जुर्माना भी हो रहा है। और पहली दफ़ा जहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ जाकर हम जो है वो अपने जो चेक्स हैं उनके ऊपर प्लेस कर रहे हैं। और जहाँ पे कार्स बिक रही हैं, गाड़ियाँ बिक रही हैं, व्हीकल्स बिक रही हैं, मोटरबाइक्स बिक रही हैं, वहाँ पर जाकर भी हम वो इंश्योर कर रहे हैं कि वो कंप्लाई करें हमारे सारे जो रेगुलेशंस हैं उनके साथ। और पहली बार जो पोल्यूशन है उसमें जो फ्यूल क्वालिटी है उसकी टेस्टिंग हो रही है। और फ्रैंकली ये सब चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब गवर्नमेंट एक पहला सूबा है और इस वक्त वाहिद सूबा है जो ये सब पूरी रजीम जो है जिसको इम्प्लीमेंट बड़ी कामयाबी के साथ कर रहा है माशाल्लाह। और पहली बार जो है वो गाड़ियों के व्हीकल्स के फिटनेस सर्टिफिकेट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और हम फ्रॉम डीजल हाइब्रिड अब मैं चाहती हूँ कि पंजाब जो है वो मूव करे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। और इसीलिए इंशाल्लाह ताला दिसंबर में ये 2 महीने के बाद हमारी पहला फ्लीट आ रहा है पंजाब में जो इलेक्ट्रिक बसेस का फ्लीट है, 26 या 28 बसेस जो हैं वो आ रही हैं, जिसमें मैंने जब मैं अभी परसों इसकी मीटिंग कर रही थी कल या परसों, तो मैंने इनसे कहा कि ना सिर्फ ये कि हम इलेक्ट्रिक बसेस लेके आ रहे हैं, उनके जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी हम जो है वो सोलर पावर्ड बना रहे हैं ताकि बिजली का कंजम्पशन और ख़र्चा कम से कम हो और उसके बाद वो जो बचत होगी वो रिड्यूस्ड फेयर्स की, रिड्यूस्ड किराया की सूरत में जो है वो आवाम को मिलेगी। तो मैंने हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी उनको मैंने कहा मेरे साथ वादा करें कि जो इलेक्ट्रिक बसेज हम लेके आ रहे हैं उसके बाद फेयर में रिडक्शन होगी और वो जो गरीब लोगों को या मुसाफिरों को पास ऑन होगा, तो उन्होंने वादा किया है मेरे से। इसी तरह मैं अब एक पूरे एक मंसूबे पे काम कर रही हूँ जिसमें हम इलेक्ट्रिक कैब्स जो हैं, ई कैब्स और ई टैक्सीज़ का हम निज़ाम छोटी गाड़ी
और इलेक्ट्रिक गाड़ी जो जब जिस जो जगह जगह आवाम को ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबल हो, ट्रैवल के लिए अवेलेबल हो और उसका किराया जो है वो आम जो पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली गाड़ी है उससे कम हो, उस पर भी हम लाहौर में पायलट करने लगे हैं उसको इंशाल्लाह ताला। और एक कॉन्सेप्ट है फ्यूजिटिव डस्ट का, जो डस्ट है जो आपको नज़र नहीं आती लेकिन आपके सांस के साथ आपके अंदर जा रही है, आपके फेफड़ों में जा रही है, आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर जा रही है, उसके लिए हम वाटर स्प्रिंकलिंग भी कर रहे हैं और पूरे SOPs हमने डस्ट कंट्रोल के लिए बना दिए हैं और जो पूरी रिजीम बनाई है कि जो गाड़ियां या ट्रक्स जो हैं वो सीमेंट लेके जाते हैं उनको पूरी तरह एंड टू एंड कवर किया जाए ताकि ड्यूरिंग द ट्रैवल वो उड़ उड़ के जो है वो फिज़ा में ना जाएं और आलूदगी का बायस ना बने, उनको कवर किया जाए। और इसी तरह जब ये जो एंटी स्टबल बर्निंग हमारी एक पूरी स्ट्रैटेजी है, पहले सारा जो स्टबल था वो जला दिया जाता था, जो फसलों की बाकियात होती उसको जला, बड़ा इजी है आग लगा दो ख़त्म, लेकिन उस आग से जितनी स्मॉक बनती है, जितना एनवायरनमेंट का हैज़र्ड है वो आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो अब हम उसको जो है उसकी इतनी सख्ती हमने कर दी है, उसमें हमने जुर्माने भी किए हैं लोगों को, हमें बादले नखास्ता अरेस्ट भी करना पड़ा है और मैं नहीं करना चाहती लेकिन एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए मुझे ये दिल पे पत्थर रख के ये स्टेप्स करने पड़ रहे हैं और उसके लिए हम सुपर सीडर्स दे रहे हैं और अभी हमने 600 से वो शुरू किया है लेकिन इंशाल्लाह ताला उसको हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। इसीलिए और फिर प्लांट फॉर पाकिस्तान एक बड़ी इफ़ेक्टिव कैंपेन हमने शुरू की है जिसको लीड मरियम औरंगज़ेब कर रही हैं और वहाँ पर सबसे पहले प्लांटेशन वहाँ पर हो रही है जहाँ कार्बन हॉटस्पॉट्स हैं, वहीं पर कार्बन सिंक्स लगा रहे हैं, दे बाय मीनिंग के जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कार्बन की वहाँ पे जब जब दरख्त लगते हैं तो दरख्त जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एनवायरनमेंट का हैज़र्ड नहीं बनता। और इस तरह की एक्सटेंसिव प्लांटेशन कैंपेन है और मुझे जैसे मैंने बताया कि मैंने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो सड़क बनेगी उसके दोनों साइड्स पे पहले जो है वो दरख्त लगेंगे, तो तकरीबन आज तक इन 7 माह के अंदर हम 7.8 मिलियन दरख्त लगा चुके हैं। और ये वो दरख्त हैं, वो उन्होंने सुलेमानी टोपी नहीं पहनी होती हुई जो 1 अरब दरख्त लगाने थे, बाद में पता चला कि वो 1 अरब दरख्त के जो पैसे थे वो लोगों की जेबों में चले गए। लेकिन ये बहुत हम सबको मिलके इस पे काम करना और हम करेंगे भी इंशाल्लाह ताला, कर भी रहे हैं। लेकिन एक क्योंकि मैं ये यूथ मेरे सामने बैठी और जब यूथ से बात करनी होती है तो मैं अपने दिल की बात ज़रूर करती हूँ क्योंकि आपके हाथ में इस मुल्क की, हमारे बाद ये मुल्क आपके हाथ में आएगा, आप इसके रखवाले हैं, आप इसके एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो मेरे से पॉइंट मिस हो गया और वो हमने जो एक से नो टू प्लास्टिक हमने कैंपेन शुरू किया, आपको बड़ी खुशी होगी ये जान के कि मुझे ये बताया गया है कि ये ओवरनाइट तो ख़त्म नहीं होती, प्लास्टिक इज़ अ वेरी ईजी थिंग, प्लास्टिक का लफाफा पकड़ा उसमें चीज़ डाली और वो कर दिया, लेकिन प्लास्टिक का यूज़ हम ख़त्म तो नहीं अभी कर सके लेकिन बहुत हद तक अवेयरनेस जो है वो हमने रेज की है, बहुत हद तक सख्ती की है और तमाम DCs को उनके KPIs में जो उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उसमें प्लास्टिक के ख़िलाफ़ कैंपेन शामिल है। तो वन टाइम जो यूज़ प्लास्टिक है उस पर हमने पाबंदी लगाई है, उसका आगाज़ मैंने अपनी हुकूमत से किया है, हमारी हुकूमत में कहीं भी आप देखें मेरे हाथ में कभी आपको अब पानी की प्लास्टिक की बॉटल नज़र नहीं आएगी। तो मैं सबसे ये कहती हूँ ये चीज़ आपने भी इनकलकेट करनी है लोगों के अंदर के से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक जहर है और बहुत कम हो गया, बल्कि लाहौर के जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी उन्होंने हमें बताया कि वो जो वेस्ट कलेक्ट करते हैं उसमें जो प्लास्टिक की तादाद है जो वो वेस्ट कलेक्ट किया करते थे वो बहुत हद तक नीचे गई है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आज मुझे ये देख के खुशी हुई कि ना सिर्फ हम वो प्लास्टिक जो है वो कम हो गया है बल्कि उस प्लास्टिक को हम रिसाइकल करके उससे बच्चों के स्कूल का फर्नीचर बना रहे हैं, उनके झूले बना रहे हैं, उनके स्विंग्स बना रहे हैं और बड़े खूबसूरत बेंचेस थे जिसमें हमने जो अभी मुझे बाहर मिले तो मैंने उनको कहा कि इसको मेरे ऑफिस के बाहर रखें ताकि मुझे भी अंदाज़ा रहे कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं, उसको रिसाइकल करके बड़े खूबसूरत चीज़ें जो है वो उससे बन रही हैं। तो ये तो सब नॉइज पोल्यूशन, ये सब पोल्यूशन की बात हो गई, अब एक ऐसी पोल्यूशन भी है जिसको हम पॉलिटिकल पोल्यूशन कहते हैं, पॉलिटिकल स्मॉग कहते हैं,
जो नज़र नहीं आती लेकिन मुल्क को तबाह और बर्बाद कर देती है। ये जो आज बच्चे हैं जिनको जॉब्स मिली हैं, और जो मैं पहले 1000 इंटर्न्स को जॉब्स हम अभी देकर आए हैं माशाल्लाह, ये कोई मेरा एहसान नहीं है किसी के ऊपर, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरी जिम्मेदारी है जो मैं अदा कर रही हूँ। और हर रोज़ हमें सुनने में आता है कि ये एहतजाज कर दो, ये जला दो, घेराव कर लो, ये इतनी गलत रवायत है। मैं ये आज पूछना चाहती हूँ, ये बच्चे आज मेरे सामने बैठे हुए हैं, 38% पे इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी जब हम आए फरवरी में, और आज अल्लाह ताला के फजल करम से कोई जानता आप में से कि 38% से महंगाई जो है वो आज 9% पे आ गई, और जो प्रिडिक्टेड है वो इंशाल्लाह 6-7% है। तो ये अपने आप तो नहीं होता ना, इसके लिए काम करना पड़ता है, और काम करने के लिए यहाँ पर दर्द होना चाहिए आपका और आवाम का। ये जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है ना, ये बहुत बड़ी जवाबदेही है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बैठ के इंसान अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल करे। एक एक लम्हा जो इस कुर्सी पे बैठ के गुजरता है, मेरे सर पे एक बोझ है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर जाऊँ, अपनी नई नस्ल के लिए कुछ, कोई ऐसा पंजाब बना दूँ जहाँ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो, उनको मुल्क छोड़ के बाहर ना जाना पड़े। और आज कहा जाता है एहतजाज करो, उसकी वजह देखिए एहतजाज अगर करना पड़ता है तो लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है, वो भी सरकारी लोगों को सरकारी गाड़ियों में। और कितनी गलत रवायत हम डाल रहे हैं कि अभी ये जो 2-3 दिन पहले हफ्ते के दिन एहतजाज था, आप जानते हो कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लोग पकड़े गए जो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस पर हमला कर रहे थे, और इस्लामाबाद पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। तो आपके इक्तदार की हवस की खातिर, एक इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का जो आपको आपका एजेंडा है, एक माँ का बेटा, पता नहीं वो किसका बाप था, किसका शौहर था, वो अपनी जान से गया, कितने पुलिस वालों के फिर सर फटे, मैंने वो ट्विटर पे तस्वीरें डाली हैं। तो ये जो माओं के बेटे हैं, जो ये कौम के बेटे हैं, ये इसलिए हैं कि ये आपका बिला वजह का एहतजाज जो है रोकते रोकते वो कभी अपनी जान से जाएँ, कभी अपनी आँखों से जाएँ, कभी उनकी आप हड्डियाँ तोड़ें, ये किस किस्म का कल्चर है। मैं अपने बच्चों से ये पूछना चाहती हूँ कि अभी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, अब SCO शुरू होने वाली है पाकिस्तान के अंदर, तो आप अपना क्या चेहरा, हम अपना क्या चेहरा दुनिया को दिखाते हैं? हम अपना ये चेहरा दिखाते हैं कि एक सूबा जो है वो पूरे साजो सामान के साथ विफाक पे हमला आवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई कम हो रही है, क्योंकि आपकी सियासत जो है वो दफन हो रही है। मैं अगर आपकी जगह होती, मैं कहती मेरी सियासी मुखालफत अगर अपनी जगह, अगर मेरा मुल्क तरक्की कर रहा है तो मैं चुप करके मुँह पर उंगली रख के बैठ जाऊँ आराम से, कम अज़ कम गरीब की जो ज़िंदगी है उसमें सहूलत तो आ रही है ना, ख़ुद कोई काम करना है ना कभी किसी को करने दिया है। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि जितना भी इन्होंने कोशिश की है, जो स्मॉग इन्होंने पॉलिटिकल फैलाने की कोशिश की है, वो उसको उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, और उसकी एक वजह, लोगों को जब काम होता हुआ नज़र आता है, लोगों को जब रिलीफ मिलती है, तो कोई इस तरह की चीज़ों को घास नहीं डालता। लेकिन ये आप अम्बेसडर्स हैं अपने मुल्क के, आप इस मुल्क के, इस झंडे के, और हम सब के टॉर्च बेयरर्स हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपकी थिंकिंग प्रोसेस का हिस्सा होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए हमने इस मुल्क पर इंशाल्लाह ताला आंच नहीं आने देनी। मुझे एक दफ़ा फिर मैं मरियम औरंगज़ेब और उनकी टीम को शाबाश देती हूँ, पूरी हुकूमत को शाबाश देती हूँ कि ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच भी है। और आप सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि आप सबका मुस्तकबिल रोशन हो, आपको एक ऐसा फलता फूलता तरक्की करता हुआ पंजाब मिले, पाकिस्तान मिले, जहां आपके लिए अपने, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मौके की कमी ना हो। और आपको तालीम के लिए, आपको पता है कि हमने पहली दफ़ा 40 बिलियन से बहुत बड़ा हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है कि अगर आप इस्तेतात नहीं रखते और आपको एक अच्छे एजुकेशन चाहिए, आप मेरिटोरियस भी हैं, आप मेरिट पे भी हैं, आपका दाखला हो जाता है किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में, या 12 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 12-13, जिसमें लम्स भी शामिल है, जिसमें नस्ट और फास्ट भी शामिल हैं, अगर आपका दाखला हो जाता है और आपके पास फ़ीस नहीं है, आपके वालिदैन इस्तेतात नहीं रखते, तो आपकी पूरी फ़ी इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी फ़ी जो है वो पंजाब हुकूमत अदा करेगी। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, और अल्लाह ताला करे कि हमारे मुल्क का हर ज़र्रा जो है
वो खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, हमारे लोग आगे बढ़ें और हम एज ए नेशन भी अपनी जिम्मेदारी को पहचाने। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर, और बहुत बहुत शुक्रिया। हिलाल कपकेक की सेंटर फिलिंग सबसे बेस्ट फीलिंग्स, यही है पाकिस्तान का फेवरेट सेंटर फिल्ड कपकेक। कल फाइनल प्रेजेंटेशन है। हाँ। मेरा पार्ट कौन सी स्लाइड्स पे है? 26।